बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुड्डो, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड्डो की दुनिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी से दूर रखे, आमीन। इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो शुरू। आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल चना। दाल को मैंने बॉयल कर लिया है, तो ये मसाले अब डालूंगी इसमें। ये प्याज, ये दो दरमियाने साइज के प्याज लिए मैंने। ये दो टमाटर हैं दरमियाने साइज के। ये चार हरी मिर्च और ये एक टेबलस्पून ये है मिर्च, एक टेबलस्पून हल्दी, एक टीस्पून ये सूखा धनिया खुश्क पिसा हुआ, एक टेबल टीस्पून ज़ीरा, एक टेबलस्पून नमक, एक टेबल ये चिकन का पाउडर और एक टीस्पून काली मिर्च। तो आए करते हैं शुरू। चूल्हा मैं जला लेती हूँ। टिक्की रख रही है मैंने ऊपर। अब इसमें डालते हैं ऑयल। प्याज लाइट ब्राउन हो गया, अब मैं डालती हूँ एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये आधा और डाल रही, डेढ़ यानी कि टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन भी हल्का ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन। अब डालती हूँ टमाटर। साथ ही डाल दूंगी हरी मिर्च। प्याज थोड़े नरम हो गए तो फिर डालती हूँ मसाला नमक मिर्च। टमाटर नरम हो गया, अब मैं डालती हूँ ये सारे मसाले। मसाले की बनाई अच्छी तरह से हो गई है, अब मैं डालती हूँ दाल। ये आधा किलो दाल है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च डालें। आग मैंने कम कर दिया, अब मैं इसको दम वाली आग पे रखती हूँ, दम लगा देती हूँ ताकि ये जो मसाला है दाल में अच्छी तरह से रच जाए। दाल हो गई हमारी तैयार। ये बनाई है मैंने ग्रेवी वाली।
अब बीच में मैं डालती हूँ गरम मसाला डालती हूँ, एक छोटा टीस्पून गरम मसाले का, अब सब्ज धनिया, चूल्हा मैं करती हूँ बंद। मैं दे दी थी ऊपर ढक्कन ताकि जो धनिया और गरम मसाले की खुशबू आए, फिर आपके साथ अगला सीन शेयर करती हूँ। दाल हो गई हमारी तैयार, अब मैं इसके ऊपर डालती हूँ थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी कटी बारीक अदरक, हरी मिर्च, ये रख देते हैं नींबू, जिसकी मर्जी डाले ना डाले। मैंने सारे सालन में ये नहीं डाले क्योंकि बच्चे ये नहीं चीज़ें खाते, अब ये जो हम बड़े खाएंगे तो वो ये खाएंगे, बच्चे अदरक वगैरह पसंद नहीं करते। नींबू आपकी, आप भी ऐसी दाल बना के खाएं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।